बड़ा चेता आंदा है लाहौर सियां। सचमुच लाहौर सिखां दी राजनीतिक शक्ति दा सिखर, साडे सिख राज दे सुनहरी दौर दा गवाह, दुनिया दे किसे भी राज वास्ते प्रेरणा स्रोत सी। लाहौर जिथे महाराजा रणजीत सिंह दे 40 साल दे राज दौरान एक वार भी काल नहीं पिया, एक वार भी फिरकू दंगा फसाद नहीं होया, एक भी बंदे नूं मौत दी सज़ा नहीं दित्ती गई। लाहौर जो दिल्ली अते काबुल दे तख्तां विचाले अडोल खड़ा रहा, लाहौर जिसने कदी झुकना जां ईन मननी नहीं सीखी, जिस बारे दुनिया विच एक कहावत मशहूर है कि जिसने लाहौर नहीं वेख्या वह हाले जम्मिया ही नहीं। दुनिया के होर देशों विच भी होर बड़े सोहने शहर हैं, जिवें सिडनी, मेलबर्न, बीजिंग, टोरंटो, मास्को वगैरह वगैरह, पर किसी शहर बारे अजिही कहावत किते भी नहीं सुनी। पर जदों 1947 का उजाड़ा ते बर्बादी आए, जिसनों 1947 की आज़ादी कहा जाता है, 10 लाख लोग लाशां दे ढेर बन गए, करोड़ां लोग उजड़ गए, घरां दे घर पट्टे गए, अखां वेंदियां वेंदियां सब कुछ पराया हो गया, मिठे पानी दे खून जहरीले हो गए, सदियां तो सांझी कंध नाल वसदे गुआंढी अख दे फोर विच रंग वटा के दुश्मन हो गए, अणगिनत मावां भैणां दे बलात्कार कीते गए, कुड़ियां नूं नंगियां करके जलूस कढ़े गए, सदियां तो पाई पाई जोड़ के बनाईयां जमीनां जायदादां दे मालकां नूं मुल्क दे हाकमां ने अख दे फोर विच सब कुछ छड जाण दा हुक्म दे दित्ता। तकड़े दा सत्ती वीही सौ पंजाब उजड़ गया, लुटिया पुटिया गया, कखों होला हो गया। जिहड़ा बापू कहिंदा सी वंड मेरी लाश ते होवेगी, वह जीवंदा जागदा फिर रहा सी। पंजाब नूं दोहां लत्तां तों फड़ के विचालिओं चीर दित्ता गया, किसी हाकम नूं रत्ती भर वी तरस ना आया, किसी हाकम की अख चों हंजू का एक भी तुपका नहीं डिगया। सब हाकमा गांधी, नहरू, पटेल के चेहरिया से रौनक सी, पर पंजाब के चेहरे की रौनक हाकमा के पेन दियां चंद कु लकीर ने मातम विच बदल दित्ती। साडा लाहौर सत्थों वख कर दिता गया, जिहड़ा लाहौर साडे दुखां सुखां तत्तियां ठंडियां हवावां साडे जमने मरने ते हावां ते होकियां दा शरीक सी, उस नूं बिगाना कर दिता गया। लाहौर तहां मार के बड़ा रोया, हाकमा के बड़े तरले पाए, पर हाकम पंजाब दे उजाड़े नूं अखों ओहले करके आज़ादी दे जशन मना रहे सन। इकला लाहौर ही नहीं, साडा ननकाणा साहिब, साडा हसन अबदाल पंजा साहिब, साडी रावल पिंडी, साडा झंग सियाल, साडा लायलपुर, साडा सियालकोट क्यों वक् कर दिते गए साथों? क्यों सिर्फ ते सिर्फ पंजाब अते बंगाल दी ही वंड जरूरी सी? सरहद तां गुजरात अते राजस्थान दी भी लगदी सी, ओह क्यों ना वंडे गए? जां सिर्फ पंजाब अते बंगाल दे आज़ादी परवानियां दी सूरमताई दा बदला लैण वास्ते इह दोवें सूबे चीर दित्ते गए? माफ़ करना, वंडे नहीं, चीर दित्ते गए हन विचालिओं। की गुजरात अते राजस्थान विच हिंदू ते मुसलमान दो कौमां नहीं सन? फिर उत्थे इह सिधांत लागू क्यों ना होया? इह सिधांत सिर्फ पंजाब दे हिस्से ही क्यों आया? बाबे नानक दा बुढ़ापे समय खेती करन वाला स्थान करतारपुर साहिब सरहद तों सिर्फ 3 किलोमीटर दूर है। किन्ने सालों तो सिख भारत सरकार तो यह मंग करते आ रहे हैं कि इस गुरुद्वारे के दर्शनों वास्ते खुल दिती जाए, पर हाकम तो हाकम होंदे हैं, कदे किसी पार्टी के हाकम तो कदे किसी पार्टी के हाकम, किसी ते भी जू नहीं सरकती। पता है क्यों? क्योंकि साढ़े को लाहौर नहीं, साडा तख्त नहीं रहा। अज असी सिख जिन्नियां को मुश्किलां अपनी कौम वास्ते महसूस करते हाँ, उन्होंने सारिया का संबंध कित ना कि लाहौर नाल है, चाहे बोली होवे, चाहे पछाण, खाण पीन, राजनीति, धर्म, गायकी, साहित, हर चीज़ ते लाहौर खुसन दा असर पिया है। जिवें कि लाहौर दी पंजाबी बोली साडी टकसाली भाषा सी, मिठी जिवें खंड मिश्री दियां डलियां, हाकमां ने साथों खुहा दित्ती। जे मनोविज्ञानिक तौर ते वेखिए तो साडे सिखां कोल 47 तो बाद लाहौर दा कोई बदल नहीं। लाहौर तख्त दे सिर ते असीं काबुल अते कंधार दे तख्त जा हिलाए। दराए खैबर विच हाले तक हरी सिंह नलुए शेर दे घोड़ां दीआं टप्पां दी आवाज़ सुनदी है। लाहौर दी अहमियत समझण वास्ते सानू साडा 500 साल दा इतिहास वेखणा अते समझणा पवेगा। गुरू काल तो लैके बाबा बंदा सिंह बहादुर, सिख मिसलां, महाराजा रणजीत सिंह दा राज अते फिर उस तों बाद 47 तक भी साडी लाहौर नाल बड़ी सांझ रही है। गुरू अर्जन देव जी दी शहीदी शहीदी गंज नां दे स्थान ते सिंघां संगणियां नूं दित्ते हौलनाक तसीहे मावां दे गलां च टोटे करके पाए उन्हां दे बच्चे, रोज़ दा सवा सवा मन पीणा पीन्दियां सिंघणियां, खन्ना खन्ना भर रोटी खा के वाहिगुरू दा शुक्र करदियां ते भाणे विच रहिंदियां मातावां। फिर उसे ही लाहौर विच असीं अपना झंडा लहराया अते सिखां दी इस कतलगाह नूं सिखां दी शक्ति दे सिखर विच तब्दील कर दित्ता। लाहौर नाल सिखां दी सांझ कदे टुट नहीं सकदी, कदे नहीं भुलाई जा सकदी। इस तो बाद जे असी गल करिए नवी पीढ़ी की, कि निर्मोहे हो गए हैं, यह सभ्याचार भुल गए, यह विरसा भुल गए, जे तय तक जाइए तो यह सब कुछ भी साथ लाहौर खुस जान का ही नतीजा है। सियासी शक्ति खुस जान तो बाद, बोली खुस जान तो बाद, असी अपनी लाहौरी तहजीब भी गवा ली।
ਲਾਹੌਰ ਨੇ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਾਧ ਮੁਰਾਦਾ ਜੀਵਨ ਤੇ ਉਹੀ ਸੰਗਾਂ ਸ਼ਰਮਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀਆਂ। ਲਾਹੌਰ ਨੇ ਅੱਜ ਵੀ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਲਾਹੌਰ ਅੱਜ ਵੀ ਵਿਹਲੜ ਜਾਂ ਅਵਾਰਾ ਗਰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਉੱਚੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਬਈ ਲਾਹੌਰ ਸਿਆਂ, ਸਦਾ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹੇ, ਸੁਖੀ ਵਸੇ, ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਤੱਕ ਤੇਰੀ ਸ਼ਾਨ ਇਵੇਂ ਹੀ ਰਹੇ, ਸਦਾ ਇਵੇਂ ਸਲਾਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।